एम्पावर्ड बाय वेस्टर्न कैंडी के 47वें एपिसोड। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हम बात कर रहे हैं मक्का की फसल के बारे में, मेज क्रॉप के बारे में। और मुझे उम्मीद है आपने लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें हमने सॉइल एप्लीकेशन की बात की थी। अब इसके बाद हम आज बात करेंगे दूसरे स्टेप के बारे में, जो कि है सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। तो बीज लगाने से पहले किसान बीज उपचार करते हैं, तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप बीज उपचार करा रहे हैं तो वेस्टीज के कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करा सकते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि किसान बीज उपचार क्यों करते हैं, हमको क्यों बीज उपचार कराना चाहिए। तो बीज उपचार किसान दो पर्पज से करते हैं, दो मोटो से करते हैं, दो कारणों से करते हैं। सबसे पहले कि उस बीज की अंकुरण की क्षमता बढ़ सके, उससे पौधा अच्छे से निकले। दूसरा, अगर उसमें कोई फंगस वाली बीमारी है तो आपका उसका कंट्रोल हो जाए, वो बीमारी आपका नहीं रहे आपके खेत में बीज में। तो चलिए बात करते हैं दूसरे टिप के बारे में, जो कि है सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। अगर आप बीज उपचार करा रहे हैं मक्का की फसल में तो आप सीज के दो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका नाम है सबसे पहले तो एग्री ह्यूमिड लिक्विड, जिसकी डोज रखेगी 10 से 15 ग्राम पर किलो बीज में। अगर आप बीज उपचार करा रहे हैं, किसान अगर बीज उपचार कर रहा है, मक्का की फसल लगाने जा रहा है, तो आप बीज उपचार में ये दो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बीज की अंकुरण की क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, उसमें अगर कोई बीमारी है उसकी भी रोकथाम आप करा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको टिप्स समझ में आएंगे और आप इनको शेयर करेंगे अपनी टीम के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ। ऐसे टिप्स के लिए आप जुड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल।